Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I'm your psychic medium. Video pasand aaye so please subscribe my channel, like and share this video. Notification bell ko press kijiyega taki main jab bhi video upload karu aap tak notification pahunche. Aap mujhe Instagram pe bhi follow kar sakte hain and description box mein personal reading ki details hai, aap chahe to check kar sakte hain. Okay, to aaj ki topic hai थ्रू मर्करी रेट्रोगेट पीरियड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू रोमांटिकली. ओके, सिंगल के लिए रीडिंग है. चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ. सो दिस इज ऑप्शन नंबर वन, प्योर नेचर. ओके, ऑप्शन नंबर टू, आर्ट ऑफ सेडक्शन. ऑप्शन नंबर थ्री, मरमेड्स लव. ओके, चूज इंट्यूटिवली. जो कार्ड, जो पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज कीजिए. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. हेलो ग्रुप वन, वेलकम. लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू थ्रू दिस मर्करी रेट्रोग्रेशन पीरियड. ओके, सो प्योर नेचर आपने चूज किया है. नंबर सेवन कार्ड चूज किया, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे एज वेल एज ग्राउंडेड एनर्जी होंगे. रोज इनको पसंद हो सकती है, रोजेस, गुलाब. तो ये पर्सन आपको देंगे सिर्फ प्रपोज करने के लिए नहीं, मुझे लगता है बीच बीच में जब कनेक्शन बनेंगे ये देते रहेंगे. बट आई फील प्रेजेंट मोमेंट में इनकी एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है. कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट हार्टेक इनकी है एंड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में जा रही है. एक क्राइंग मोमेंट मुझे दिखाई, आई फील कि पर्सन जैसे रोया है फॉर सम. इट जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है. बट आई फील कोई पास्ट हार्ट एक इनकी है जो जिसके थ्रू में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग. मैं कुछ उड़ाखेल मैसेजेस देखूंगी एंड टैरट से भी देखूंगी एंड कुछ मैसेजेस, एक्स्ट्रा मैसेजेस उनके बारे में और कुछ डिटेल्स है या नहीं. ओके, चलिए पहले मैं उड़ाखेल मैसेजेस देख लेती हूँ, उसके बाद मैं टैरट देखूंगी. द आइस क्वीन, सो आइडियाज़ प्रिजर्व नॉन एक्शन एंटाइटलमेंट. मैं क्या बोल रही थी आपसे, ए पर्सन काफ़ी अभी एनर्जी इनकी बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिकॉज ऑफ आउल एनर्जी हियर. काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी चल रही है. काफ़ी कूल, काम, डिटैच, सोशल मीडिया से डिटैच हो सकती है. बिल्कुल एक बंद कमरे में रहने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही. जो पास्ट हार्टेक उनकी थी वो रिलीज़ हो रही है. एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रही है. एक कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है इनके लिए, बिल्कुल नॉन एक्शन मोड पे है. या तो फिर हाल फिलहाल हो सकता है इनकी जॉबलेस ए पर्सन है. कुछ ना कुछ इनके लाइफ में हुआ है, कोई लीगल इशू, कोई पास्ट पर्सन रिलीज हुआ है. काफ़ी इनकी एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी एंग्जाइटी में मुझे नज़र आ रही है इनकी एनर्जी. बट ए पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड होंगे एंड काफ़ी कूल, काम एनर्जी होंगे. एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे इनके पास. ओके, लेट्स सी. होप नंबर 32, नंबर 5 एंड नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकते. होप की एनर्जी है, कैंडल की एनर्जी है. तो डेफिनेटली ये पर्सन स्पिरिचुअल है. मैं पहले आपसे बोल रही थी ये पर्सन आपके लाइफ में एक होप बनकर आएंगे. हो सकता है ये सिचुएशन जो आइस क्वीन की एनर्जी है आपकी भी सिचुएशन हो सकती है. आपके लिए ये पर्सन एक होप बनकर आएंगे, एक लाइट, एक रोशनी बनकर आएंगे. काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है पर्सन. ओके, काफ़ी पॉजिटिवली लाइफ को देखते होंगे, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी. ओके, हर बुराई में वो अच्छाई ढूंढने वाले एनर्जी. ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे या तो फिर इस पर्सन के लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड लियो की एनर्जी है डेफिनेटली. देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड जब भी रीडिंग में आ रही है सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैवस कन्फ्लिक्ट लाइफ में हुआ है, उससे ओवरकम हो रही है. कोई मेडिकल इशू हो सकती है, हेल्थ इशू, या तो फिर पर्सनल लाइफ, कुछ ना कुछ से ये ओवरकम कर रहे होंगे. मैं पहले आपसे बोल रही थी ये ओवरकम कर रहे होंगे उस सिचुएशन से. बट ऑप्टिमिस्टिक वे है, पॉजिटिव, वो फॉरवर्ड मूवमेंट इनकी है. ओके, एंड लॉट ऑफ फायरी एनर्जी है. बट यहाँ पर आइस की भी एनर्जी है. ये है तो फायरी बट समहाउ सिचुएशन की वजह से थोड़ी नॉन एक्शन मोड पर है. मैन होल्डिंग हार्ट या बहुत ही रोमांटिक पर्सन है क्योंकि फायर की एनर्जी है, पैशन काफ़ी होंगे. मैं आपसे बोल रही थी ये रोज़ बीच बीच में देने वाली एनर्जी है. कोई रोज़ डे पे ही रोज़ देंगे ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है. इनका जब मन हो ये देंगे. काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है, स्वीट रोमांटिक स्वीटनेस है इनमें. मैन वुमेन डजंट मैटर. ओके, लेट्स सी.
हैप्पीनेस। मैं पहले आपसे बोल रही थी एक सन की वाइब्स आ रही है, एक होठों पे मुस्कुराहट इनकी होंगे, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको हंसाने वाले एनर्जी होंगे, आपके लिए एक स्ट्रेंथ बनेंगे, आपके लिए एक होप बन सकते हैं पर्सन। ओके लेट्स सी, ग्राउंडेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके लेट्स सी फ्रॉम टैरोट्स हु इज कमिंग फॉर ग्रुप नंबर वन थ्रू दिस मर्करी रेट्रोग्रेशन, हु इज कमिंग। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर वन हु इज कमिंग। थैंक यू सो मच। ओके फाइव ऑफ वांड्स रिवर्स में आई है, ये बहुत पॉजिटिव है। मैं पहले आपसे बोल रही थी कैवस कन्फ्लिक्ट से इनकी लाइफ एक फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एरिस लियो सैज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप इनको बहुत पहले से जानते हो ऑलरेडी, ये पर्सन आपकी लाइफ में है बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कॉलेज की फ्रेंड, कलीग्स, ऐसी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने एक साथ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिला होगा। टेन ऑफ कप्स एनर्जी, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो, फैमिली में ऐसे कोई पार्टी फंक्शन चल रही है, इस पर्सन की कोई फैमिली मेम्बर्स आई है, कोई रिलेटिव्स आए हैं, उनके थ्रू से मुलाकात हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। काफ़ी पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है एंड स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे ये। लेट्स सी, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी है। ओके थैंक यू स्पिरिट। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है। ओके लेट्स सी वन मोर कार्ड, फोर ऑफ शॉर्ट्स में बोल रही थी इनकी हीलिंग चल रही है, बिल्कुल इनकी हीलिंग चल रही है। चलिए मैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए कार्ड लूँगी। फाइव ऑफ वांड्स, हीलिंग चल रही है या फिर एक पर्सन अभी जॉब की तैयारी में है। पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, ओके डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ये आपकी सेम एज की हो सकती है या तो फिर आपकी कलीग, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी चिटचैट हो सकती है या फिर सोशल मीडिया में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। फाइव ऑफ वांड्स की वजह से हो सकता है कि अभी वो सोशल मीडिया से डिटैच्ड है बट आगे जाकर वो एक्टिव होंगे। पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके 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 ओके, दिस इज़ एक्चुअली अ लवर्स कार्ड बट रिवर्स में आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट समहाउ इनकी एनर्जी की हीलिंग की ज़रूरत है। ये या तो फिर आपकी कोई पास लवर हो सकते हैं पर्सन, एक्स हो सकते हैं फॉर सम। अगर आप एक्स को नहीं चाहते ये तो आपकी आप अपने डेस्टिनी कभी भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली पास लवर भी हो सकते हैं क्योंकि लवर्स कार्ड रिवर्स में आई है। ओके लेट्स सी, टेन ऑफ कप्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। या फिर ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको कभी थर्ड पार्टी में डाला होगा फॉर सम। ओके सबके लिए नहीं, अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव है, तो इनकी लाइफ की कोई नेगेटिविटी है जो रिलीज हो रही है। दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर, बिल्कुल रिवर्स में आई है तो कमिटमेंट देने की टाइम आ गई है। ओके अभी पूरी तरह से एनर्जी जब हील हो जाएंगे तब एक कमिटमेंट देंगे। स्लो मूवमेंट में अभी थोड़ी एनर्जी आ रही है। ये सब पेंटेकल्स एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई पास्ट हार्टेक है इनकी, डेफिनेटली ये सब पेंटेकल जो न्यू बिगिनिंग्स को रोक रहा है, ऐसी कोई पर्सन इनके लाइफ में है जो काफ़ी डोमिनेंट हो सकती है, जो इनको इस तरह से डोमिनेंट करते हैं, इनको इनकी एनर्जी को इस तरह से ये कंट्रोल करते हैं कि जैसे वो नेगेटिविटी रिलीज नहीं हो पा रही है। आप उनके लिए एक होप बन सकते हैं इस कनेक्शन में। फॉर ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी
एंड द टावर। या बिल्कुल, मैं पहले आपसे बोल रही थी कोई टावर मोमेंट इन्होंने फेस किया, या आपके साथ हो सकता है कि आपने कभी, ये आपकी एक्स हो सकती है, या तो फिर इनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट गई है। एंड दैट्स व्हाई फोर ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, कोई हेल्थ इशू, मेडिकल इशू, किसी का डेथ हुआ है, ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से ये ओवरकम कर रहे होंगे उस सिचुएशन से। एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वांड्स एनर्जी है, काफ़ी स्पीड अभी इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। धीरे धीरे जब ये हील हो जाएंगे, कम्प्लीटली मूव करेंगे आपकी तरफ, ये मूव करेंगे, ओके, बिकॉज ऑफ फुल एनर्जी है, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रही है, सब कुछ भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट हो गई यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, आप इस पर्सन को बिल्कुल नहीं जानते हो, सो डेफिनेटली इनकी कोई पास्ट हार्ट है जो पूरी तरह से जब रिलीज हो जाएगा, आप दोनों के बीच एक न्यू स्टार्ट होने जा रही है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एंड काफ़ी पैशनेट होंगे, बिकॉज नाइट ऑफ वांड्स एनर्जी एंड मैन होल्डिंग ए हार्ट, काफ़ी पैशनेट होंगे, रोमांटिक पर्सन है, ओके। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस देखती हूँ और डिटेल्स में पता चलेंगे कि कौन है ये पर्सन, ओके। फॉर ग्रुप नंबर वन, हु इज कमिंग इन देयर लाइफ, हु इज कमिंग, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू, हु इज कमिंग, दैट इज़ अ सेकेंड चांस। मैं क्या बोल रही थी, दिस रिलेशनशिप डिजर्व ए सेकेंड चांस, ओके। तो या किसी के लिए एक्स है, बट मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग एक्स को नहीं चाहते, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, ऐसे लोग नहीं चाहते। सो डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनी कभी भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। लेट्स सी, न्यू लव, बिल्कुल न्यू लव ऑफर, और लव इज़ डेवलपिंग, न्यू लव ऑफर भी है यहाँ पर, ओके। लेट्स सी, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंगेजमेंट मैरिज तक बात पहुँचेंगे। एंड लॉन्गिंग, समवन इज सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू, ये आपको सोशल मीडिया में देखते होंगे, लॉन्गिंग डिज़ायर है यहाँ पर, डिफरेंट पेजेस, सो यू एंड दिस पर्सन डोंट शेयर द सेम विजन। तो यहाँ पर कुछ कल्चर का, एज का, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी, ओके। लेट्स सी, हियर एंड नाउ योर ट्रू लव इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके, थैंक यू स्पिरिट, ओके, वन कार्ड मोर, थैंक यू, ओके 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 ओके। लेट्स सी, टाइम अपार्ट, समवन सम डिस्टेंस विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी। तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन, आपके फ्रेंड्स या फिर नेबर जो भी है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। फ्रेंडशिप का भी कार्ड आई हुई है, तो आपके फ्रेंड हो सकते हैं पर्सन, चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग्स हो सकते हैं, अनअवेलेबल, बिल्कुल, दिस पर्सन इज़ अनेबल टू गिव ऑल यू डिजर्व, डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है। एंड ट्रस्ट की एनर्जी है, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव ए फेथ, यहाँ पर सेकेंड चांस भी आई हुई है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक एक्स की वाइब्स भी है, न्यू लव ऑफर भी है, सो जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रख लीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप टू, वेलकम, देखते हैं हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू थ्रू दिस मर्करी रेट्रोग्रेशन पीरियड, ओके। तो आपने आर्ट ऑफ सिडक्शन चूज़ किया है, मैं ओरेकल मैसेज देखूंगी, टैरोट भी देखूंगी एंड कुछ चिट मैसेज भी देखूंगी, ओके। सो आर्ट ऑफ सिडक्शन, कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पर एक पर्सन किस, मतलब कितनी स्टेबल है, यहाँ पर एक किसिंग की मूवमेंट है जो काफ़ी इमोशनल एक मूवमेंट होती है। इस इमोशनल मूवमेंट में भी ये पर्सन कितनी स्टेबल खड़े हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। एक पर्सन काफ़ी पैशनेट है, दूसरे पर्सन को यहाँ पर थोड़ी जैसे इंस्टिगेट करने की ज़रूरत है। एक पर्सन इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लाइफ को लेकर, इनके लिए इमोशन से ज़्यादा मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ओके। बट हाथ में गुलाब है, बट इमोशन को कंट्रोल करेंगे, दिखाएंगे नहीं। बहुत मैच्योर्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ग्रुप टू के लिए, जो भी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत मैच्योर्ड। यहाँ पर दूसरे पर्सन जो है वो उनको जैसे इस पर्सन को थोड़ी पुश करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, ठीक है। इतने इमोशनल मोमेंट में ये स्टेबल खड़े हैं, जैसे किसिंग मोमेंट में इमोशंस में लोगों की आंख बुझ जाती है, खुशी की आंसू होती, बट यहाँ पर तो एनर्जी बिल्कुल एकदम से अलग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाली एनर्जी है ये, ओके। लाइफ को काफ़ी, हो सकता है इनकी लाइफ एक्सपीरियंस ऐसी है। चलिए मैं ओरेकल मैसेजेस देखती हूँ।
उसके बाद मैं टैरोट्स देखूंगी एंड कुछ चीट मैसेज देखूंगी। चलिए, रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटनी, बिल्कुल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैच्योर्ड एनर्जी, एज का डिफरेंस हो सकती है। जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न, इन तीनों की प्लैनेट इनकी बाथ चार्ट में हेवी है। आचार्य एंड गुरु दोनों की एनर्जी नज़र आ रही है। एंड देखिए, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास बुक्स के साथ ये बैठे हैं। नॉलेज इनके पास बहुत होगी, बट डिटेल पे जाने की एक टेंडेंसी है इनको, हर चीज़ को जानना है। क्यूरियोसिटी बहुत हो सकती है। माउस, यहाँ पर एक माउस की एनर्जी, माउस के छोटे छोटे चीज़ों को अहमियत देते होंगे लाइफ में। ओके, मैजिक क्रिएट करने वाली एनर्जी है, इनसे ही मैजिक होगी, ऐसी एनर्जी है इनकी। काफ़ी पॉपुलर फिगर हो सकते हैं, लोग इनको रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास से मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप इस पर्सन को बिल्कुल नहीं जानते हो, बिल्कुल अननोन पर्सन है, बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे। टीचिंग फील्ड से हो सकती है, साइंस, रिसर्च, PhD, या तो फिर ऐसे फील्ड में, मतलब लोगों को सलाह देना। लोग इन पर ट्रस्ट करते होंगे बहुत इजीली। गॉडेस ऑफ द मून 52, ओके, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आई है। एक तो मून इमोशन मुझे दिखाई दे रही है, दूसरी प्रैक्टिकल अप्रोच। डेफिनेटली एक वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे, एक फाइनेंस के लिए आपकी लाइफ में एक सपोर्ट बनेंगे, एक सपोर्टिव सिस्टम बनेंगे फाइनेंशियली। बट गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है ये, जब भी कोई फीमेल की कुंडली में मून को मैं सेवन्थ हाउस में देखती हूँ, स्पेशली हो सकती है इनकी सेवन्थ हाउस में मून है, एस्पेक्ट है, या फिर लिब्रा साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो कहीं ना कहीं उनकी कदम काफ़ी शुभ होती है लाइफ में, ऑस्पिशियस होती है। तो एक लकी चार्म आपके लिए बन सकते हैं। जैसे ये इतनी मैच्योर्ड है, मैं पहले आपसे बोल रही थी इनकी एनर्जी इतनी मैच्योर्ड है कि आपको लाइफ में एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, मैरिज ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब ये इमोशनली आपसे अटैच रहेंगे बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप को छोड़कर भी ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे। ओके, सिर्फ बात यहाँ पर पैशन की नहीं हो रही है, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे लगता है पर्सन की और से आपको मिलेगा, क्योंकि पर्सन काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे रिलेशनशिप में। ये भले ही इमोशंस नहीं दिखाते होंगे, बट इन गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी आई हुई है। एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रही, गुलाब इनके हाथ में है बट इमोशन से दिखाते नहीं है, बट आपको, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे ये, आपके टेक केयर, आपके प्रोटेक्शन, आपकी सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट है एक दूसरे के लिए, ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली इस पर्सन की ओर से। ओके, लेट्स सी, ऑनेस्टी में क्या बोल रही थी आपसे, इस रिलेशनशिप में सबसे वो मूल आधार है वो ऑनेस्टी। यहाँ पर कोई मतलब थर्ड पार्टी, ए पार्टी, वो पार्टी, ऐसे कोई पार्टी की एंट्री नहीं हो सकती, बिकॉज ये पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस इनकी है, ये जानते हैं रिलेशनशिप क्या है। ये हनीमून, एक लाइक डिनर, ए रिलेशनशिप, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वुड बी लेफ्ट, दैट इज़ द प्योर रिलेशनशिप, ये पर्सन ये जानता है। एंड दैट इज़, एंड दैट्स वाई आप दोनों की रिलेशनशिप में मतलब एक दूसरे के लिए आप डेडिकेटेड रहोगे, स्पेशली ये पर्सन मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी फॉर्चून टेलिंग कार्ड, या दिस इज इन एंड यंग कनेक्शन, दिस इज इन एंड यंग कनेक्शन, दिस द ए पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है एंड आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। नंबर 30, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 2 टाइम नंबर 7 की एनर्जी, 43 एंड 52, नंबर 7 किसी की लाइफ पद नंबर हो सकती है इस पर्सन की, या फिर आपकी भी हो सकती है कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर इन एंड यंग कनेक्शन आई हुई है, कुछ एनर्जी आपके साथ भी मिलती जुलती होगी। नंबर 9, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, लेट्स सी फ्रॉम टैरोट्स हु इज कमिंग, ग्रुप नंबर 2, हु इज कमिंग थ्रू दिस मार्कर रिट्रोग्रेशन पीरियड, हु इज कमिंग, थैंक यू स्पिरिट, हु इज कमिंग, ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, बिल्कुल ये एनर्जी तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है, कोई पास्ट है, पास्ट रिलीज हुआ है, डाइवोर्सी पर्सन है, फॉर सम, जरूरी नहीं है सभी के लिए हो, लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस, या तो फिर आप सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हो इस कनेक्शन में। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। डेथ की एनर्जी, या डेफिनेटली यहाँ पर जैसे इनकी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है। नंबर 13, नंबर 4 की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में होंगे इस मार्कर रेट्रोग्रेशन में।
लाइफ स्टेबल हो रही है, किंग की एनर्जी लाइफ स्टेबल हो रही है। ये जो भी पर्सन है काफ़ी स्टेबल है, अपनी अपनी एनर्जी में काफ़ी स्टेबल है। आप देख ही रही हो एनर्जी। ओके, इस कार्ड को सामने रखती हूँ मैं। एक्चुअली दिस इज अ किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। थैंक यू। ओ माय गॉड, मैं सैटर्न की बात कर रही थी। सैटर्न, सैटर्न एनर्जी। तो डिले मुझे लगता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की हो सकती है एज हो गई है। ओके, एंड डेथ एंड जस्टिस, या तो फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है। काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है। इन एंड यंग के नीचे बिल्कुल जस्टिस कार्ड आई हुई है। काफ़ी लिब्रा की एनर्जी बैलेंस्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा। एंड ओ माय गॉड द टेम्परेंस एंड बैक टू बैक थ्री मेजर अर्काना। एनर्जी काफ़ी हैवी है, इनकी एनर्जी काफ़ी एक्सपेंसिव एनर्जी है। जो भी आपकी लाइफ में आने जा रही है, एक एंजेलिक फिगर, एक होप बनकर आपकी लाइफ में आएंगे। बट आई ट्रूली फील कि नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी, बिकॉज ए एनर्जी फायरी है, दूसरी एनर्जी वाटरी है। यहाँ पर बैलेंस हो रही है, जैसे इन एंड यंग की जो कनेक्शन कहा जाता है, बिल्कुल वाटर एंड फायरी कम्बिनेशन, या तो फिर अर्थ एंड यारी कम्बिनेशन। यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट कम्बिनेशन है, जो दोनों तरफ से आकर यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में पर्सन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सैजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, तो हो सकता है कि करियर जॉब की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से आएंगे। ओके, फाइव ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ए पर्सन थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की होंगे लाइफ में। मुंह के ऊपर जो झूठ है झूठ, जो गलत है गलत, ऐसी एनर्जी है। मैं पहले आपसे बोले बिकॉज ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। अगर आप गलती कर रहे हो तो वो सुगर कोट नहीं करेंगे। प्यार भी है, इमोशंस भी है, एंड रास्ता भी दिखाएंगे। एक पायनियर की भी एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, मैं थोड़ी क्लैरिटी देखूंगी किंग ऑफ शॉर्ड्स की। थैंक यू स्पिरिट, किंग ऑफ शॉर्ड्स। ओके, थैंक यू। फाइव ऑफ सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, वाटर साइन भी है यहाँ पर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो डेफिनेटली लाइफ टाइम की एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। जब भी यहाँ पर जो कन्फ्यूशन की एनर्जी है ना, इस दौर से निकल चुके हैं ए पर्सन। ए पर्सन मैच्योर्ड हो चुकी है। मैं पहले आपसे बोल रही थी दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैच्योरिटी। ओके, लोग जहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं उस जगह पर रास्ता ढूंढने वाली एनर्जी है। लोग सलाह लेते होंगे इनसे। ये कोर्ट हाउस से जुड़ी कोई काम इनकी हो सकती है। ओके, कोर्ट हाउस से जुड़ी। टीचिंग फील्ड, शॉर्ट्स की एनर्जी है। कंपनी मीडिया फील्ड में भी हो सकती है, इंजीनियरिंग मीडिया फील्ड। द चैरियट, बिल्कुल ट्रैवल यहाँ पर है, लॉन्ग डिस्टेंस है। एक पर्सन थोड़ी स्टेबल नेचर की भी हो सकती है, बट लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे। एंड बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, बिकॉज ऑफ कैंसर एनर्जी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा। बट आई फील इनकी कोई फैमिली की ओर से कोई इशू चला है लाइफ में। जो डेथ हो रही है वो कम्प्लीट हो रही है, कम्प्लीशन की ओर है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम जस्टिस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू जस्टिस, थैंक यू स्पिरिट। ओ माई गॉड, जस्टिस की क्लैरिटी में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये तो माइनर आर्कना में जस्टिस ही तो है। डेफिनेटली पर्सन काफ़ी चैरिटी वगैरह भी करता होगा, डोनेशन वगैरह देता होगा। या डेफिनेटली ये बहुत बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। ये जस्टिस कार्ड को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल। बहुत रिस्पेक्ट लोग करते होंगे इनको। एंड आपके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, नो डाउट, नो डाउट। एंड इनकी लाइफ में कुछ बुरी तरह से एंड हुआ है, एंड उसकी वजह से इनकी लाइफ वो स्टेबल हुई है। लाइफ एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। द हैंग्ड मैन, ओके, हैंग्ड मैन जो कि रिवर्स में आई है। सो डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर जो फाइव ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, तो ये पर्सन हमेशा मुंह के ऊपर बोल देने से सामने वाले को रास्ता मिलता होगा। ऐसी एनर्जी है, सामने वाले को गाइड करने, पायनियर की एनर्जी। मैं पहले आपसे बोल रही थी ऐसी एनर्जी में ये है, बट कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में स्टक थी जो रिलीज हो रही है। एंड सेवन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, ट्रिक स्टार की एनर्जी है। जब जैसा तब तैसा बोलने वाले एनर्जी है। एंड फर्स्ट सम हो सकती है आपकी पास्ट है,
ओके लेट्स सी, मैं थोड़ी कार्ड से देखूंगी हु इज दिस पर्सन, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या है ग्रुप नंबर टू, हु इज कमिंग फॉर ग्रुप नंबर टू थ्रू दिस मर्करी रेट्रोग्रेशन, हु इज कमिंग, थैंक यू स्पिरिट. That is the energy healing. Old wound and childhood issue need revisiting. Okay, तो यहाँ पर healing, तो एक person हो सकता है एक healer person है and आपके लिए एक healer बनेंगे. Patience, everything will unfold in the divine time. Okay, यहाँ पर temperance का भी card है, patience का, divine timing का. Let's see, who is this person? Okay, for group number two. Okay. Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. तो engagement होगा. Okay, let's see. Wow, this is the anchor, stability. मैं बोल रही थी आपसे काफ़ी stable person होगा, relationship काफ़ी you know एक बार हाथ थाम लिया तो lifetime के लिए. This relationship can stand the rest of time. Anchor की energy है बिल्कुल. And reconciliation, someone from your past is returning to your life. A past life lover हो सकते हैं आपकी soulmate, क्योंकि इन एंड यंग एनर्जी है, twin flame soulmate हो सकते हैं या तो फिर past person. For some ज़रूरी नहीं है, सभी के लिए है ऐसा बिल्कुल नहीं है. Okay, boundaries, firm boundaries are needed now. Okay, काफ़ी मतलब choosy person है ये जो भी आएंगे. Decision, it's time to decide. Okay, तो डिसीजन आपके हाथ में होगा अगर ए पास्ट पर्सन है, सो इट्स अप टू यू. आप कभी भी अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, पर मुझे लग रहा है एक अचानक से पर्सन आएंगे, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन. ओके, सो बैलेंस की एनर्जी है, वन पर्सन इज गिविंग टू मच इन दिस रिलेशनशिप. बैलेंस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है अगेन. ओके, वल्नरेबिलिटी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. ओके, इंट्यूशन, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू शीक. एक पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होगा. ओके, पुट अवे द कंप्यूटर, वर्किंग लेस एंड हैविंग मोर फन विल हेल्प स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप. वर्कहॉलिक की एनर्जी है, ये पर्सन वर्कहॉलिक है बहुत ज़्यादा. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप टू, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. गॉड थ्री, वेलकम, लेट्स सी हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू रोमांटिकली थ्रू दिस मर्करी रेट्रोग्रेशन पीरियड. मैं चिट मैसेजेस भी देखूंगी, टैरोट से भी देखूंगी एंड ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी. ओके, लेट्स सी. मरमेड्स लव, आपने चूज किया है नंबर 24 कार्ड. दोनों ही काफ़ी रोमांटिक हो गए इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर एक स्वीटनेस है रिलेशनशिप में. ओके, एंड दूसरी यहाँ पर मुझे फेदर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, फेदर्स, एंड यहाँ पर एक इनकी कैप के ऊपर एक बर्ड है. ज़रूरी नहीं मेल मेल और फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट फेदर्स एंड बर्ड ये दोनों टोटेम बन सकते हैं रिलेशनशिप में. ओके, जब बहुत ज़्यादा फेदर्स आपको दिखाई दे, बर्ड्स टोटेम आपको स्पेसिफिक कोई ऐसे बर्ड्स वॉइस आपको सुनाई दे. ओके, सो डेफिनेटली दे आर ऑन द वे एंड एक कनेक्शन काफ़ी स्वीट कनेक्शन होगा, एक रोमांटिक स्वीट रोमांटिक अफेयर मुझे दिखाई दे रही. दोनों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे. ओके, पाइल टू तो बिल्कुल उल्टा मुझे नज़र आ रही थी, बट आप दोनों ही काफ़ी एक दूसरे के लिए मेड फॉर इच अदर, इट्स लाइक ए मेड इन हिवन कनेक्शन. ओके, एंड इफ ए पर्सन जो भी होगा काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे. ओके, काफ़ी स्टेबल भी है, बट यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट. बात सिर्फ रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट है. लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल्स, उसके बाद मैं टैरो शफल करूँगी. ओके, ओके, द चेस क्वीन, चेस क्वीन, ट्रस्ट. ओके, नंबर 30 मर्करी, इनकी बर्थ चार्ट में या तो फिर आपकी बर्थ चार्ट में बुधादित्य राजयोग हो सकते हैं, सन मर्करी का कंजंक्शन हो सकती है. ज़रूरी नहीं है, फॉर स्पेसिफिक मैसेज हो सकते हैं किसी के लिए, बट यहाँ पर मुझे लग रही काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे ये जो भी है, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले एनर्जी है, एंड ट्रस्टवर्दी लॉयल पर्सन होगा. एक बार हाथ थाम लिया तो इस लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप. ओके, ऐसे मैं पहले आपसे बोल रही थी यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट है, बट एज वेल एज ये एनर्जी काफ़ी बैलेंस का एनर्जी है. ये इमोशनल एनर्जी भी है एज वेल एज एक ग्राउंडेड एनर्जी भी है. ओके, ये जानते हैं मतलब कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है मनी. फाइनेंस के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है एफिशिएंट होगा. ओके, लेट्स सी
कॉर्नोकोपिया नंबर 11 है, आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकती है, डिवाइन काउंटर पर मुझे नजर है। यहाँ पर बहुत सारे अबंडेंस की एनर्जी है, बहुत सारे। देखिए अबंडेंस सिर्फ मेटेरियल अबंडेंस नहीं, यहाँ पर मुझे लग रहा है आप एक दूसरे को पाकर ना जैसे वो लकी फील करोगे, जैसे वो मिसिंग पीस आप एक दूसरे के लिए बनोगे, एंड जब मिलेंगे वो डिवाइन यूनियन होगी, इट्स लाइक ए सैक्रेड यूनियन हियर। बटरफ्लाइज की एनर्जी है, ओके। एंड सी दिस कार्ड, गौर से देखिए, यहाँ पर बहुत सन की एनर्जी है, सन की वाइब से। मैं पहले आपसे बोल रहे थे सन एंड मर्करी एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा अगर आपकी बातचार, दोनों बातचार में सर्वल में सन बली है, तो शुरुआत में जब आप डेट कर रहे हो, सोशल मीडिया मिल रहे हो, तो थोड़ी ईगो इशू चल सकती है दोनों के बीच, कि आपने टेक्स्ट किया तो ये 2 दिन के बाद रिप्लाई दे रहे, तो या फिर उन्होंने टेक्स्ट किया तो आप 2 दिन बाद रिप्लाई करें, तो छोटी एक ईगो इशू से स्टार्ट हो सकती है। बाद में रिलेशनशिप जब स्ट्रांग होगा, जब एक दूसरे पर आप वो ट्रस्ट क्रिएट होगा, तब बहुत रूट्स मजबूत होगी, ओके। एक मुझे यहाँ पर जैसे एक ईगो की क्लैश नज़र आ रही है। लेट्स सी कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ। आपने नंबर 24, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, हारमनी बैलेंस होगी रिलेशनशिप में। ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड एटीट्यूड की है, लिब्रा एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड है, जस्टिस लवर पर्सन होगा एंड विजडम इनके पास होगा। ये फेमिनिन एनर्जी को काफ़ी रेस्पेक्ट करते होंगे। कभी भी लाइफ में अगर सोसाइटी में, घर में कुछ भी इनजस्टिस देखेंगे तो ये पहले उसके अगेंस्ट में खड़े होने वाली एनर्जी है। हो सकते हैं इनकी लिटरली, हो सकते हैं कि कोई लीगल इशू इनकी चल रही है, बट मुझे पॉजिटिवली नज़र आ रही है कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर आप सरेंडर कर रहे हो। कोई भी अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस करे तो स्ट्रांगली सबसे पहले ये खड़े होंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट इनकी एनर्जी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। आई डोंट नो हाउ कैन आई से, आँख बंद कर कर आप एक दूसरे को ट्रस्ट करोगे, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का इस जन्म में, जैसे आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे हाई लेवल सोलमेट, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लेट्स सी सन की एनर्जी, मैं पहले आपसे बोल रही थी नंबर 28, सन एनर्जी इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वल में इनकी सन बली है, काफ़ी पॉपुलर फेस फिगर होगा, सक्सेसफुल एनर्जी है। प्राइड, मैं क्या बोल रही थी, एक ईगो इशू का क्लैश शुरुआत में हो सकती है। अटेंशन देने की ज़रूरत है इस पर्सन को आपको, यू नो मुझे लग रही है ये पर्सन थोड़ी शो ऑफ कर सकते हैं सोशल मीडिया में, ओके। शो ऑफ ही नेचर इनकी हो सकती है, बॉसिज्म नहीं, शो ऑफ ही नेचर होती है ना, लग्जरी ब्रांड यूज़ करना इनको पसंद है, काफ़ी शौकीन है, मतलब चीज़ों को लेकर, लग्जरी ब्रांड इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी शौकीन होंगे ये। एंड द लव, या दिस इज़ अ लव, दिस इज़ अ लव कनेक्शन, दिस इज़ अ ट्रू लव फॉर यू, दिस इज़ अ, एक बार आपने इस पर्सन का हाथ थाम लिया तो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, बट शुरुआत में थोड़ी ट्रस्ट इशू मुझे नज़र आ रही है। एक बार खुलकर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ भी हाइड नहीं करना है, ओके, क्योंकि जस्टिस लवर पर्सन है। हो सकता है इनकी फैमिली में अभी कोई लीगल इशू चल रहा है जो रिलीज़ हो रहा है, फॉर सम स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आई हुई है, ओके। चेस क्वीन की एनर्जी है, कंपनी आईटी सेक्टर में काम करते होंगे, जहाँ पर गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या तो फिर कोई बिजनेस मैन वोमैन हो सकती है, या फिर कोर्ट हाउस से जुड़ी कोई काम इनकी हो सकती है, ओके। बट आई फील दिस इज़ अ हीलर पर्सन, इनकी हीलिंग टच है, मेडिकल फील्ड से भी पर्सन हो सकती है, डजेंट मैटर, ये कोई भी फील्ड से हो सकती है, बिकॉज ऑफ मरमेड्स एनर्जी, वाटरी साइन है, तो हीलिंग टच है इनकी, एक हील करना, लोगों को काउंसलिंग करना, लोगों को सलाह देना, ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 3, रोमांटिकली हु इज़ कमिंग थ्रू दिस मर्करी रिट्रोग्रेशन फॉर ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग, थैंक यू स्पिरिट, हु इज़ कमिंग, ओके। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, ओके, एज का डिफरेंस हो सकती है पर्सन के साथ, या फिर इनकी कोई पास्ट है, आपकी कोई पास्ट है, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकती है, किसी ऑलरेडी मैरिड कोई पर्सन हो सकती है, या सेवन ऑफ शॉर्ट्स, काफ़ी यर्स साइन आ रही है, सोशल मीडिया में आप मिल सकते हैं इस पर्सन से। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, इनकी कोई पास्ट है, स्ट्रॉन्ग पास्ट इशू मुझे नज़र आ रही है। द टावर मोमेंट, बिल्कुल बिल्कुल इनका कोई टावर मोमेंट गया, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है।
who is coming. Thank you, spirit. Thank you so much. Who is coming for group number 3? And the death energy. Oh my god. Oh my god. Scorpio is heavy. Career goal oriented person. Thank you, spirit. Thank you. Group number 3, who is coming? Thank you. Thank you, spirit. Thank you. 8 of wands energy. Okay. तो रिलीज हो रही है कुछ इनकी लाइफ में. लॉन्ग डिस्टेंस से डिस्टेंस में है. 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. ट्रैवल कर कर आएंगे या फिर आपको ट्रैवल करना होगा इनके साथ. ओके. 3 ऑफ कप्स एनर्जी. चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकती है. कलीग्स, चाइल्डहुड फ्रेंड, पार्टी फंक्शन के थ्रू आपने कभी मिला होगा, टाइम स्पेंड किया होगा ऐसी कोई पर्सन. अब मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो उस पर्सन को. क्वीन ऑफ शोर्ट्स एनर्जी. लेट्स सी. क्वीन ऑफ शोर्ट्स. ओके. 2 ऑफ शोर्ट्स एनर्जी. सो डेफिनेटली यहाँ पर एक कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में थी जो रिलीज हो रही है बिकॉज 2 ऑफ शोर्ट्स एनर्जी. हो सकती है ऑप्शंस के वगैरह, 2 ऑप्शंस के बीच, या तो फिर ये मैरिड थे, डाइवोर्स वगैरह हो रही है, कोई लीगल इशू चल रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हियर. ओके. बट कन्फ्यूजन रिलीज हो रही है इनकी लाइफ में. वो चुनाव की जो टाइम चल रही थी ना, इनकी जो कन्फ्यूजन अराइज हुई थी वो रिलीज हो रही है. लेट्स सी. 7 ऑफ शोर्ट्स एनर्जी. काफ़ी ईयरी साइन आ रही है. व्हाट आर ईयरी. लेट्स सी. या 7 की क्लैरिफिकेशन में 7 नंबर 7 आई है. तो एक सैक्रेड यूनियन आपके साथ इनकी होगी. बट 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में 7 ऑफ पेंटेकल्स आई है. ये वो पर्सन हो सकती है यू आर वेटिंग फॉर. मतलब आप इनके लिए वेट कर रही हो. या तो फिर एक पर्सन किसी दूसरे एनर्जी में इन्वॉल्व थे पहले कभी, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया. कुछ ना कुछ यहाँ पर है. नंबर 7, 2 times 7 की एनर्जी है. डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. द टावर एनर्जी. थैंक यू स्पिरिट. थैंक यू. द टावर. थैंक यू. द वर्ल्ड एनर्जी. ब्यूटिफुल टावर. एंड स्पेशली टावर को देखा जाता है स्कॉर्पियो एनर्जी से. स्कॉर्पियो जो कि 8th हाउस है, 8th हाउस को रिबर्थ का हाउस कहा जाता है. एंड क्लैरिफिकेशन में वर्ल्ड भी एक न्यू साइकिल को दिखा रही है. तो डेफिनेटली यहाँ पर एक साइकिल, एक न्यू साइकिल ओपन होने जा रही है क्योंकि ए साइकिल रिलीज हो रही है. अब ए साइकिल ओपन हो रही है क्योंकि डेथ की एनर्जी आई हुई है. सो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग्स होगी इस रिलेशनशिप में. ओके. स्कॉर्पियो हैवी है. स्कॉर्पियो फिक्स साइन. लियो एक्यूरियस एनर्जी. टॉरस काफ़ी हैवी है. ओके. फिक्स साइन, फिक्स मेंटेलिटी पर्सन बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ शोर्ट्स एनर्जी. एज का डिफरेंस हो सकती है पर्सन के साथ. ओके. मैच्योरिटी का डिफरेंस. ओके. डेथ. लेट्स सी. डेथ एनर्जी. व्हाई दिस डेथ कार्ड हियर. थैंक यू स्पिरिट. बिकॉज द मैजिशियन एनर्जी. द डेथ की क्लैरिटी में मैजिशियन आई है. तो मैजिशियन भी कहीं ना कहीं हायर पोटेंशियल को दिखा दे, 5D को. जैसे डेथ भी एक रिवर्ट को दिखा दे, तो 5D से ये पर्सन 3D में आ रही है. 5D की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है 3D में, रियलिटी में. ओके. हो सकते हैं आप इस पर्सन को पूरी तरह से जानते हैं, इनकी लाइफ की पास्ट को आप जानते हो, बट फिर भी आप मैनिफेस्ट करते हो. कहीं ना कहीं आपको फीलिंग्स है कि इंट्यूटिव एक कनेक्शन आप फील करते हो. आप 5D में कनेक्शन फील करते हो. दैट्स व्हाई वो आ रही है. ओके. लेट्स सी. 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. ट्रैवल. ओके. 8 ऑफ वॉन्ड्स. थैंक यू स्पिरिट. 3 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी. यहाँ पर एक लाइम लाइट में रिलेशनशिप का, जैसे लाइम लाइट में आ रही है. रिलेशनशिप पब्लिक हो रही है. रिलेशनशिप जैसे एक ओपन अनाउंसमेंट, या मैं एंगेज करने जा रही हूँ उनके साथ, या फिर शादी होने जा रही है. जैसे एक ओपन अनाउंसमेंट होते हैं सोशल मीडिया में, फैमिली में. ओके. 3 ऑफ कप्स एनर्जी. थैंक यू स्पिरिट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्पिरिट. थैंक यू. ओके. एंड 8 ऑफ कप्स एनर्जी. हो सकता है पर्सन आपकी बचपन की दोस्त है, लॉन्ग डिस्टेंस में पर्सन चले गए. एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. बट पैशन रह गई है, या तो फिर दूसरे एनर्जी में इन्वॉल्व हो गई थी, बट समहाउ वो उस एनर्जी में खुश नहीं है. एंड वो अगेन लौट रहे, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं. अदरवाइज अगर आप बिल्कुल सिंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी कोई पास्ट रिलीज हो रही है. ओके. एंड मूव कर रहे होंगे आपकी तरफ. दूसरी हो सकती है, देखिए जितना आपसे रेजोनेट हो रही है उतना ही लीजिए. जिन्होंने लीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो. बट यहाँ पर एक पास्ट भी है, न्यू लव भी हो सकती है. अगर न्यू लव है तो इनकी कोई पास्ट रिलीज हुआ है. ओके. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. दैट शुड बी ए ब्रांड न्यू स्टार्ट. जब स्टार्ट होगी रिलेशनशिप, पैशन के साथ स्टार्ट होगी, जहाँ पर एक रोमांटिक फीलिंग्स है, स्वीट रोमांटिक फीलिंग्स. एंड
पैशन बहुत होगा आप दोनों के कनेक्शन में. ओके लेट्स सी कुछ मैसेजेस देखते हैं. थैंक यू स्पिरिट. हु इज़ दिस पर्सन कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके ओके ओके. रिग्रेट, समवन फील्स रिमोर्स फॉर द वे दे ट्रीटेड यू. या रिग्रेट फीलिंग है किसी को. रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. मैं क्या बोलूँ. इंट्यूशन, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक. मैं क्या बोल रही थी, जैसे आप टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील करते हो इस पर्सन के साथ. फॉरगिवनेस, रिग्रेट फीलिंग्स है तो फॉरगिवनेस तो आना ही है. फॉरगिविंग योर सेल्फ और अनदर विल यू मूव फॉरवर्ड. ओके अनदर विल यू मूव फॉरवर्ड. ओके सो डेफिनेटली फॉरगिव करना होगा. आपके हाथ में है सब कुछ. इट्स अप टू यू. आप अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो अच्छा है. आप अपनी डेस्टिनी के खुद डेस्टिनी क्रिएटर हैं. सो ज़रूरी नहीं है सभी पास्ट को नहीं चाहते. मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सभी पास्ट नहीं चाहते, पास्ट पर्सन एक्स नहीं चाहते. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके बट फॉरगिवनेस की ज़रूरत है. कुछ ना कुछ माफ़ करना होगा तब इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर पाओगे. ओके सो दैट इज़ अ सोलमेट. या योर सोलमेट लव्स एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट्स यू अनकंडीशनली. सोलमेट कनेक्शन किसी के लिए हो सकता है. मैं पहले आपसे बोल रही थी सोलमेट टू इन फ्लेम कनेक्शन. स्पिरिचुअल लेशन, दिस पर्सन इज इन योर लाइफ टू टीच यू ए स्पिरिचुअल लेशन. बहुत स्पिरिचुअल लेशन लर्न किया है बहुत सारे व्यूअर्स ने इस कनेक्शन में. हीलिंग, ओल्ड वाउंड एंड चाइल्ड हुड इशू नीड रिविजिटिंग. हो सकता है किसी के चाइल्ड हुड ट्रामा है. ए पर्सन एक हीलर बनकर आएंगे आपकी लाइफ में. ओके ओके दिस इज़ अ फाइनेंस. फाइनेंशियल चैलेंजेस आर अफेक्टिंग इन दिस रिलेशनशिप. हो सकता है पहले कभी पर्सन फाइनेंस करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है एंड दैट्स वाई उन्होंने छोड़कर चले गए होंगे. कमिटमेंट नहीं दिया. अपोलॉजी, यू कैन एक्सपेक्ट द अपोलॉजी. या माफ़ी मांगेंगे बहुत सारे यहाँ पर जो भी आएंगे. अगर ये पास्ट के पर्सन माफ़ी मांगेंगे एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है. डिनायल, डिटैच विथ लव टू क्लियरली सी द ट्रूथ. यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स डिनायल के मूड में भी होंगे. ओके लेट्स सी. ओके फ्रेंडशिप हो सकती है किसी के लिए. ये फ्रेंड हो सकती है आपकी. चिल्ड्रेन, या चिल्ड्रेन आर इम्पॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन. फॉर सिंगल मदर, सिंगल फादर इस कनेक्शन में कोई हो सकती है. ज़रूरी नहीं है सभी हैं बट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए. ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. ओके वेट, टाइम इज नॉट क्वाइट राइट. ओके किसी के लिए अभी पेशेंस की ज़रूरत है. एंड न्यू लव ऑफर्ड और लव इज डेवलपिंग. किसी के लिए न्यू लव भी है बट यहाँ पर पास्ट कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है. ओके सो थैंक यू सो मच ग्रुप 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.